हेलो, बोलती बुक्स विद अंजलि चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी है यह भी कोई खाना है। समीरा ने अपना टिफिन का डिब्बा खोलते ही मुंह बनाया। भला पराठे और बैंगन की सब्जी भी कोई खाता है? मैं तो ना खाऊं। जोर से डिब्बा बंद करके वह स्कूल के बरामदे में चली गई। पिछले हफ्ते अम्मा ने उसे नूडल दिए थे। नूडल तो केचवे जैसे लगते हैं। घर वापस जाकर समीरा गुनगुनाई थी। अगले दिन अम्मा ने मूंगफली मटर वाला उपमा बनाया था। समीरा ने सिर्फ मूंगफली चुनकर खा ली थी। इडली खाओगी? अम्मा ने पूछा था। केले के लिए अच्छी रहेंगी, पर मैं खाऊंगी नहीं, समीरा ने कहा था। और आज पराठे और बैंगन की सब्जी थी। दीवार के साथ साथ चींटियों की फौज चली जा रही थी। उन्होंने पूछा, समीरा, सब बच्चे खाना खा रहे हैं, तुम क्यों नहीं? समीरा ने कहा, मुझे न पराठे पसंद हैं, न सब्जियां, मैं खाना नहीं खाऊंगी। ठीक कहा, भला सब्जियां भी कोई खाता है? चींटियों ने उसकी बात में हाँ मिलाई। वे बड़ी सावधानी से एक तिलचट्टा ले जा रही थी। उन्होंने उसका एक पंख अलग करके समीरा को दिया। यह खाकर देखो, बहुत स्वादिष्ट है। तिलचट्टा कॉकरोच। छी छी, मुझे नहीं खाना गंदा सड़ा तिलचट्टा, कहते हुए समीरा बगीचे की ओर दौड़ गई। वहां रंग बिरंगे फूल खिले थे। तितलियां एक से दूसरे फूल पर मंडरा रही थी। संतरी रंग व काली सफेद धारियों वाली एक सुंदर तितली ने पूछा, अरे समीरा, क्या हुआ? सब बच्चे खाना खा रहे हैं, तुम क्यों नहीं? समीरा ने जवाब दिया, मुझे न पराठे पसंद है न सब्जियां, मैं खाना नहीं खाऊंगी। ठीक कहा, भला सब्जियां भी कोई खाता है? तितलियों ने उसकी बात में हाँ मिलाई। क्यों ना हमारी तरह फूलों का रस पी लो, बहुत मीठा है। समीरा ने एक फूल के बीच में अपनी जीभ डाली, किंतु उसे कुछ ना मिला। मुझे नहीं चाहिए रस बस, तो मुझे बुद्धू बनाना चाहती हो? कहते हुए समीरा मैदान की तरफ दौड़ी, जहाँ एक विशाल पीपल का पेड़ था। उस पर एक कौवा बैठा था। कौवे ने आवाज दी, अरे समीरा, सब बच्चे खाना खा रहे हैं, तुम क्यों नहीं? समीरा ने फिर वही जवाब दिया, मुझे न पराठे पसंद है न सब्जियां, मैं खाना नहीं खाऊंगी। ठीक कहा, भला सब्जियां भी कोई खाता है? कौवे ने उसकी बात में हाँ मिलाई। ये लो, मैं तुम्हें एक अच्छी चीज देता हूँ। और उसने एक आधा खाया हुआ चूहा समीरा के लिए नीचे फेंका। छी छी, कितना गंदा है, अपना चूहा तुम ही रखो, चिल्लाती हुई समीरा वहां से दौड़ गई। वह एक दीवार के साथ खड़ी हो गई। वहीं कुछ गौरैया बैठी थी। वे बोली, अरे समीरा, सब बच्चे खाना खा रहे हैं, तुम क्यों नहीं? समीरा ने कहा, मुझे न पराठे पसंद है न सब्जियां, मैं खाना नहीं खाऊंगी। ठीक कहा, भला सब्जियां भी कोई खाता है? गौरैया भी उसकी बात में हाँ मिला बैठी। लो, बाजरे के दाने बड़े कुरकुरे और पौष्टिक हैं। समीरा ने एक दाना चबाया और मुंह बनाया, यह तो बहुत सख्त है और मेरे लिए बहुत थोड़े।
एक नरम दिल गौरैया ने पूछा, तुम्हें रस भरे केचुए लाकर दूं? जरा ठहरो। नाना मुझे नहीं चाहिए, कहते हुए समीरा वहां से भाग खड़ी हुई। वह स्कूल के फाटक के पास पहुंची। फाटक के बाहर एक गाय आराम से चारा चर रही थी। समीरा को देखते ही बोली, अरे समीरा, सब बच्चे खाना खा रहे हैं, तुम क्यों नहीं? समीरा ने जवाब दिया, मुझे न पराठे पसंद है न बैंगन की सब्जी, मैं खाना नहीं खाऊंगी। ठीक कहा, पके हुए बैंगन तो एकदम बेकार होते हैं। मैं तुम्हारे लिए घास तोड़ती हूँ, बारिश के बाद तो बहुत मीठी होती है। वह जो तुम्हारे पास गुड़हल की झाड़ी है उसके साथ खाओ, मजा आ जाएगा। कितनी खुशकिस्मत हो समीरा, काश मैं फाटक के अंदर आ सकती। समीरा ने तंग आकर कहा, मुझे कोई घास वास झाड़ी वाड़ी नहीं खानी, यह तो बहुत अच्छा है कि फाटक बंद है। गुड़हल के फूल तो बहुत सुंदर होते हैं, मैं नहीं चाहती तुम उन्हें खाओ। यह कहकर समीरा दौड़ती हुई अपनी कक्षा में वापस पहुंची। उसने झट से अपना डिब्बा खोला, मेरे पराठे और बैंगन कितने अच्छे हैं, यह सोचकर जल्दी से खाना खाने लगी। कैसे लगे आपको यह कहानी? क्या आप भी खाना खाने में नखरा करते हैं? अगर हाँ तो फिर अगली बार इस कहानी को याद करेगा, शायद खाने का स्वाद बढ़ जाए। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।